हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं स्पेशली जो बनाने जा रही हूँ व्रत के लिए जो खाना बनाते हैं उसका, तो यहाँ पर जो मैंने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं मैं वो बता देती हूँ। यहाँ पर मैंने बॉईल किए हुए आलू लिए हुए हैं, ये मैंने थोड़े यहाँ पर ज़्यादा शोर है, तो ये आप इसमें अपने जितना आपको क्वान्टिटी चाहिए उसके अकॉर्डिंग डाल सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर हरी मिर्ची ली हुई है मैंने, इसको काट लिया है। और साथ ही जो व्रत में खाने वाला आटा होता है ये मैंने लिया हुआ है, कुट्टू का आटा बोलते हैं इसको, तो आप भी इस तरह से ये ले सकते हो या आप इसकी जगह कोई भी व्रत वाला आटा यूज़ कर सकते हो, तो ये अच्छा रहता है। वैसे कुट्टू का आटा बोलते हैं इसको, तो मैंने ये लिया हुआ है, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पर एक बाउल ले रही हूँ, मैंने एक ये लिया हुआ है, इसमें मैं इस आटे को जो है बनाऊँगी, इसके मैं यहाँ पर पकौड़े बनाने जा रही हूँ, तो वही स्टार्ट करने जा रही हूँ मैं भी। तो गाइस यहाँ पर मैं आलू के जो हैं पकौड़े बनाने वाली हूँ, व्रत के लिए स्पेशली हैं ये, तो यहाँ पर जो मैं मुझे जितने भी यहाँ से आलू चाहिए तो मैं वो ले लेती हूँ इसमें। आप भी इस तरह से अपनी अकॉर्डिंग ले लेना जितनी क्वांटिटी में आपको बनाना है। तो यहाँ पर मैंने ये 3-4 आलू लिए हैं, ठीक है। और साथ ही जो मैंने यहाँ पे हरी मिर्ची काटी हुई थी मैं वो भी डाल रही हूँ इसमें। और यहाँ पर जो मैं व्रत के लिए बना रही हूँ तो ये जो है यहाँ पर मैं नमक डाल रही हूँ इसमें, तो आप भी इस तरह से नमक डाल लीजिए। गरम मसाले का मैं यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि मैं व्रत के लिए बना रही हूँ। यहाँ पे मैं ये थोड़ा सा जो है रेड मिर्च है, लाल मिर्ची है, इसको भी डाल रही हूँ। और साथ ही जो मैंने ये आटा लिया है 1 बाउल के करीब लिया हुआ है, तो इसको भी इसमें डाल लेती हूँ मैं। इसको धीरे धीरे करके इसको मिलाकर इसका जो है अच्छे से मिला लूँगी इसमें। पहले मैं इसको इसमें मिला लेती हूँ अच्छे से ताकि ये मिक्स हो जाए। इस तरह से आप चाहो तो इसको हाथ से भी मिला सकते हो, मैं यहाँ पर स्पून का यूज़ कर रही हूँ। अभी जो मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँ, आप इसमें पानी धीरे धीरे ही ऐड करते रहना, एकदम से पानी को नहीं मिलाना है इसमें। इस तरह से इसका एक अच्छा सा बैटर हमें रेडी करना है जिससे कि हमारे पकौड़े बन जाएं। मैं इसमें भी पानी और डालूंगी। इसमें आपको ये ध्यान रखना कि आपको कितनी क्वांटिटी में बनानी है और कितना अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक मिर्च वगैरह डालना है, ठीक है। इसके पकौड़े बहुत ही टेस्टी बनते हैं, क्रिस्पी बनते हैं, खाने में मज़ेदार होते हैं, हरी चटनी और दही के साथ बहुत टेस्टी लगते हैं। तो मैं भी हमेशा व्रत में ऐसे ही खाती हूँ दही के साथ ही से, और साथ में टेस्ट के लिए हरी चटनी और खीर भी बना लेती हूँ। खीर की रेसिपी भी मैं बनाऊँगी अभी। तो यहाँ पर मैं भी ये पकौड़े हैं उनके लिए इसको अच्छे से इसका बैटर रेडी कर लेते हैं पकौड़ों के लिए बहुत अच्छे से, ताकि इसके पकौड़े हमारे अच्छे से बन जाए। इसमें थोड़ा सा पानी और मैं ऐड करूँगी। तो आप भी इस तरह से इसका बैटर रेडी कर लीजिए। और इसको एक पैन में मैं ऑयल गरम करना रखती हूँ जब तक, और इसके जो है पकोड़े मैं फिर बनाना स्टार्ट करूँगी। चाहे तो आप इसको हाथ से भी बना सकते हो या स्पून की हेल्प से भी बना सकते हो, मैं इन्हें हाथ से बनाऊँगी। और इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर लेती हूँ क्योंकि इसमें आटे में थोड़ा सा पानी अपने आप आ जाता है बाद में, तो ये थोड़ा लूज़ हो जाता है जैसे अभी टाइट है ना, तो इसलिए मैंने इसमें पानी कम डाला है। तो आप भी इसी तरह मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। तो इस तरह अगर आप पकौड़े बनाओगे तो बहुत टेस्टी लगते हैं व्रत में, खाने में भी मज़ा आता है, क्रिस्पी होते हैं बहुत, दही के साथ तो बहुत ही मज़ा आ जाता है खाकर। तो आप भी इस तरह व्रत में अपना बना सकते हो, वैसे भी आप खा सकते हो, व्रत के अलावा भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, खा सकते हो।
तो ठीक है, चलिए मैं अभी जब तक इस आटे को मैं 5 मिनट या 10 मिनट के लिए रख देती हूँ रेस्ट करने होने के लिए, तो जब तक मैं एक पैन में ऑयल है गर्म कर लेती हूँ उसको। तो गाइज़ यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में पैन में जो है ऑयल गर्म किया हुआ है, तो ये पकौड़े हैं अभी मैं यहाँ पर हैंड के साथ डाल रही हूँ, तो आप भी इस तरह बना सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं, बहुत ही क्रिस्पी हैं और खाने में भी मज़ा आ जाता है। आप भी एक बार ज़रूर इस तरह ट्राई कीजिए खाने में। इस तरह से मैंने जो फ्लेम है मीडियम किया हुआ है, इस तरह से मैं काफ़ी जो है इसमें पकौड़े जितने आ सकते हैं पैन में डाल देती हूँ। तो गाइस इस तरह से जो ये हमारे पकौड़े यहाँ पक रहे हैं, मुझे इसको 5 मिनट के करीब टाइम हो गया, तो मेरी अभी पकने ही वाले हैं, हल्के ब्राउन हो गए हैं, तो अभी 1-2 मिनट तक इनको निकाल लूँगी ओवन से। तो गाइस ये देखिए इस तरह से जो है हमारे पकौड़े पक रहे हैं। इसको थोड़ा टाइम लगता है, इसको मीडियम फ्लेम पर ही पका रही हूँ मैं। इस तरह से इसको आप भी इस तरह से बनाइए, बहुत टेस्टी लगते हैं। इसे पकने में कम 5 से 10 मिनट का टाइम लग जाता है। इसको लो या मीडियम फ्लेम पर ही पकाते हैं ताकि ये जले ना, अंदर से भी पक जाएं। जब ये हल्के ब्राउन हो जाएंगे तब मैं इन्हें निकाल दूंगी। तो गाइस ये मेरे पकोड़े और रेडी हो गए हैं व्रत के लिए जो मैंने स्पेशली बनाए हैं, और मैं इसे दही और चटनी के साथ सर्व करने जा रही हूँ। तो आप भी इस तरह बना सकते हैं, बहुत ही सॉफ्ट और अच्छे हैं ये पकोड़े खाने में। जितने दिखने में अच्छे लग रहे हैं आप बनाइए, तो ये बहुत टेस्टी भी हैं, खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं ये। आप इसको एक बार बनाकर खाकर देखिए किस तरह से सॉफ्ट है ये एकदम से। आप चाहो तो इसको व्रत में भी खा सकते हो, वैसे भी टेस्ट के लिए बनाकर खा सकते हो। आप खाकर देखिए, आपको बहुत टेस्टी लगेंगे और मज़ा भी आएगा। तो प्लीज़ आप इस तरह से ये बनाइए, व्रत के लिए खास हैं पकौड़े। और प्लीज़ मुझे बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए। थैंक्स गाइस, थैंक यू।